नमस्कार साथियों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। साथियों, ये गुजारिश और करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा है और आप लोग चाहते हैं कि परस्पर ये कार्य चलता रहे, रुके ना, हमारी टीम कार्य करती रहे, तो आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी दे सकते हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट के दो तरीके हैं, या तो हमें सुपर थैंक्स का प्रयोग करके फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं, या फिर सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं। आपका थोड़ा सा भी डोनेशन हमारे कार्य को और प्रगति दे सकता है, जिससे हम पूरे देश में और देश के बाहर जितने भी हमारे बुद्ध विहारों को हड़पा गया उनको एक्सपोज करके आप लोगों के सामने ला सकेंगे। तो आपका थोड़ा सा डोनेशन आपकी विरासत को सामने ला सकता है, आपको जानकारी दिला सकता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, डोनेशन जरूर करें। साथियों, तो आज आप लोगों को लेकर के चलने वाला है दक्षिण भारत में चेन्नई से 170 किलोमीटर दूरी पर पोंडुचेरी जिला के पोंडुचेरी के अरियनकुप्पम गाँव में, जहाँ पर एक विशालकाय बुद्ध प्रतिमा है, लेकिन उसको किसी और नाम से पुकारा जाता है। तो आज आप लोगों के बीच लेकर के चलने वाले हैं, गुजारिश आपसे यही है कि वीडियो को पूरा देखेगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, हमारे देश में सम्राट अशोक के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने पूरे देश में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, साथ ही साथ बड़े बड़े बौद्ध स्मारक, बड़े बड़े बुद्ध विहार बनवाए, जिसमें लोगों को शिक्षा देने का काम किया जाता था, और वहीं पर छोटे छोटे चैत्यों का निर्माण कराया, साथ ही साथ में संघाराम जैसी जगहों का निर्माण कराया जहां पर बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने के काम में आते थे वो संघाराम, साथ ही साथ बौद्ध भिक्षुओं के लिए विश्राम करने की जगह बनवाई, और ये परस्पर पूरे देश में हर जगह पर पूरे जम्बू द्वीप में चल रहा था। धीरे धीरे यहाँ पर मनवादियों के कब्जे में वो चीज़ें आई और उन्होंने उन चीज़ों को नीचे दबा दिया। अब हमारा चैनल उसी चीज़ को बाहर निकालने का काम करता है। कहीं पर हमारे बुद्ध विहारों को हड़पा गया, कहीं पर तोड़ा गया, कहीं पर मंदिर बनाया गया। आज इसी से रिलेटेड हम आप लोगों को लेकर के चलने वाले हैं चेन्नई से 170 किलोमीटर दूर और तिरुवनमलाई से 120 किलोमीटर दूर पोंडुचेरी के पोंडुचेरी जिला के अरियनकुप्पम गाँव में, जहाँ पर एक बहुत ही विशालकाय बुद्ध प्रतिमा है। आप सामने देख सकते हैं, ये जो प्रतिमा है ये बैठी हुई ध्यान मुद्रा में तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, लेकिन इस प्रतिमा को कहा जाता है कि ये ब्रह्म ऋषि की प्रतिमा है। लेकिन आप लोग गौर से देख सकते हैं, ये प्रतिमा जो है साफ साफ में हम पास में दूसरी प्रतिमा बुद्ध जी की दिखा रहे हैं। सेम प्रतिमा यही यहाँ पर रखी हुई है, बस ऊपर से पुष्प डाले गए हैं, फूलों की माला पहनाई गई है, जिससे इसका आकार बदल सके। लेकिन कहते हैं ना, चेहरा थोड़ी ना बदल दोगे। तो आप लोग गौर से देखिए, सामने इसी मूर्ति को जो कि ध्यान मुद्रा में मार्गदाता तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, जिसको यहाँ पर ब्रह्म ऋषि बताया है यहाँ के पाखंडियों ने। अब आपको सोचना है, विचार करना है कि हम अपनी विरासत को कैसे खोजते हैं, क्योंकि हमारी विरासत जब तक हमें नहीं मिलेगी हम तो चैन से नहीं बैठने वाले हैं, और एक एक मंदिर का पोस्टमार्टम करेंगे हम आप लोगों के बीच में। बस आप लोगों का साथ चाहिए। साथियों, देखिए, इस प्रतिमा को ब्रह्म ऋषि बना करके रखा हुआ है मनुवादियों ने, लेकिन हम लोग नहीं जाग पा रहे हैं। वो लोग हमारी चीज़ को हड़प करके उसको अपने पास में रखते हैं, आमदनी का तरीका बना के रखे हैं, लेकिन हम लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते। क्या आपको पता है, हमारे देश में जब हम मंदिरों में घुसते हैं तो 90% मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर लिखा होता है कि अंदर फ़ोन ले जाना मना है, अंदर फ़ोटो खींचना मना है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अंदर हो सकता है कि आपके महापुरुष ना बैठे हों, आप उनको फ़ोटो खींच कर लाएंगे, फिर लोगों को दिखाएंगे कि अंदर हमारे महापुरुष हैं, तो इसीलिए साफ साफ लिखा होता है अंदर कैमरा ले जाना या फ़ोटो खींचना मना होता है। आप लोग सोचिए, विचार करिए कि अब हमारी विरासत हमें कैसे मिलेगी। हमारी विरासत हमें मिलना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हम अपनी विरासत को समझ सकते हैं। आप जाने, विचार करें, पूरे जम्बू द्वीप वासियों से मेरा एक ही कहना है कि अपनी विरासत को जानो, अपनी विरासत को पहचानो। खैर, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी जगहों पर आप लोगों से गुजारिश है, ज़रूर जाइएगा।
दोस्तों इस जानकारी को अन्य लोगों में भी शेयर कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।